आज भारत समेत पूरी दुनिया में एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखेगी जिसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। सबसे बड़े और चमकदार चांद का दीदार करने का प्लान आपने किया होगा, पर इस सुपर ब्लू मून को लेकर आपके दिमाग में कई सवाल भी उठ रहे होंगे। आज हम आपको सुपर ब्लू मून के बारे में जो भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं उन सबका जवाब सुपर ब्लू मून की पाठशाला में देंगे। सुपर ब्लू मून के बारे में ए टू जेड समझने के लिए पहले आपको बताते हैं कि सुपर मून क्या होता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं। जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। एपोजी में भारत धरती और चांद के बीच की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर होती है, लेकिन पेरिजी में धरती से चांद की दूरी करीब 3.63 लाख किलोमीटर हो जाती है। जब चांद पेरिजी यानी धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा यानी फुल ब्लू मून पड़ रहा हो तो उसे ही सुपर मून कहा जाता है। 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किया था। सुपर मून के वक्त धरती से चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इस दिन चांद का साइज या चांद की चमक बढ़ जाती है तो ये गलत है। धरती के पास होने की वजह से चांद के बड़े और चमकदार होने का एहसास होता है। चलिए अब आप समझिए कि ब्लू मून क्या होता है। 29.5 दिन में चांद का एक साइकिल पूरा होता है, लेकिन जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो तो इसे ब्लू मून कहते हैं। अगस्त 2023 यानी इस महीने की 1 तारीख को पूर्णिमा थी। अब 30 अगस्त यानी आज दूसरी पूर्णिमा है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। देशित पाठशाला के अगले चैप्टर में आपको बताते हैं कि सुपर ब्लू मून क्या होता है, क्योंकि आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों इवेंट है। यानी जब फुल मून यानी पूर्णिमा, सुपर मून यानी पृथ्वी के सबसे करीब चांद और महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़े तो इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या सुपर ब्लू मून के दिन चांद नीला दिखेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लू मून शब्द का नीले रंग से कोई लेना देना नहीं है। महीने के दूसरे फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया गया है। साल 1940 से ब्लू मून का चलन शुरू किया गया। सुपर मून में चांद बड़ा तो दिखेगा लेकिन नीला नहीं दिखेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए, क्या चांद नीला दिखाई दे सकता है? तो इसका जवाब है ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। यानी चांद का रंग नीला नहीं होता, ऐसा सिर्फ धरती के वातावरण के बदलने से संभव है। जैसे कहीं ज्वालामुखी फटा हो या किसी वजह से धुएं का ऐसा गुबार बना हो कि धुंध हवा में घुल मिल जाए तो ऐसा संभव है। जैसे इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा तो उससे निकली राख हवा में 80 किलोमीटर ऊपर तक गई। वहां आसपास के पूरे वातावरण में राख फैल गई और इस राख के एक माइक्रोन से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फिल्टर की तरह काम करने लगे। इस वजह से साल 1883 में इंडोनेशिया में चांद नीला दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा ही 1983 में हुआ था जब मेक्सिको में अल सियोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। आप भी जरूर सुपर ब्लू मून देखने की तैयारी कर रहे होंगे तो इसका सही वक्त भी आप जान लीजिए। सूर्यास्त के फौरन बाद सुपर ब्लू मून देखने का सबसे अच्छा वक्त होता है। यानी सूर्यास्त के ठीक बाद आप सबसे सुंदर सुपर ब्लू मून देख सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो आज 6:46 पर सूर्यास्त होगा। यानी देश हित खत्म होने के बाद आप भी अपने घर से बाहर निकलकर सुपर फुल मून देख सकते हैं। Z News.